मालेगांव शहर में आजकल के पट्टी घर की जो हाउस टैक्स आता है उसको लेके बहुत चर्चा चालू है, और जो लोग हाउस में कभी एक लफ्ज नहीं बोले वो ऐसा ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, अपने आप को दावा करते हैं कि 25 साल का तजुर्बा है, 25 साल से लगातार मेंबर है, मेंबर तो सुल्तान लाओ भी लगातार 3 बार से, तो ये बहुत कमाल की बात नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर नगर सेवक चुन के आए और वो स्टैंडिंग कमेटी में अगर जाता है, स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर बनता है या चेयरमैन बनता है या हाउस लीडर बनता है या महापौर बनता है या उप महापौर बनता है, तो उसको बहुत अच्छा समझने लगता है कि कॉर्पोरेशन में कैसा बजट होता है, कैसा काम होता है, कैसा किया जाता है, कैसे कराया जाता है। लेकिन मैं आज तक हैरान है एजाज बेग साहब के ऊपर कि वो बेचारे बार बार बोलते 25 साल से मेंबर है, 25 साल से कारपेंटर है, मेरे को समझ में नहीं आता। ये 3 बार स्टैंडिंग चेयरमैन रहे, 1 बार प्रेसिडेंट रहे, और बहुत मैं समझता हूँ मैं 3 बार नगर सेवक बना, वो 5 बार अगर बने तो मैं से बहुत ज़्यादा वो हाउस में बैठे। लेकिन आप लोगों को मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि खाली 5 बार चुन के आ जाना, 10 बार चुन के आ जाना और उसमें तो पब्लिक का काम करना, ऐसा कुछ जो वार्ड का आप बताते हो ना कि मेरा वार्ड आके देखो, तो वार्ड हमारा भी जाके देख लो। आप 5 बार चुन के, हम तो 3 बार चुन के आए, हम तो आपसे बहुत जूनियर है, आप ही सीनियर है, लेकिन हमको जो सियासत में जो सीख मिली मेरे दोस्तों शेख मोइन शेख इमाम, शेख रशीद साहब और आसिफ शेख रशीद साहब, ये तीनों ने हमको वो सिखाया है कि अच्छा खां भी हाउस में हमको लगता नहीं, अगर हमको लगता है कोई विषय नामंजूर करना है तो पूरी ताकत एक तरफ रहे, अकेले हम भी उसको नामंजूर करके बताते और बताए। मालेगांव महानगर पालिका में 17/1/2019 को एक मीटिंग हुई जिसमें केरपट्टी के ताल्लुक से एक विषय सकाराम घोड़के साहब ने लाए, और उन्होंने विषय लाया ये बोल के लाया कि हर चार साल में कानून के हिसाब से सर्वे होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए। लेकिन आज कम से कम 2004-05 के बाद से आज तक कोई रिवीजन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने 2019 में ये विषय लाए कि रिवीजन होना चाहिए। लेकिन मैं भी उस मीटिंग में था, बहुत सारे लोग इस मीटिंग में थे जो आज जगह जगह पर मीटिंग ले रहे हैं, कार्नल मीटिंग ले रहे हैं, वो खुद भी साहब इस मीटिंग में थे लेकिन उनका मुंह नहीं खुला। इस मीटिंग में अलीब और बे भी नहीं बोले उन्होंने, और नहीं तो बोले होंगे तो ये आवाम को बताना, जैसा चौक चौक में आप मीटिंग लेके बता रहे हो ना कि फलाने केर पट्टी बढ़ाई, फलाने केर पट्टी बढ़ाई, फलाने केर पट्टी बढ़ाई, तो अगर तुमने अगर दम है तो ये बताना कि तुमने उस मीटिंग में क्या बोला। अगर अलीब भी बोला होगा तो असलम अंसारी आज के बाद सियासत छोड़ देगा, अलीब तो सियासत असलम अंसारी छोड़ देगा, और नहीं तो खाली बोलने की बात। मैं मेरे हाथ में प्रोसीडिंग की काफी है, ये प्रोसीडिंग में देख लो, इसमें सिर्फ डॉक्टर खालिद, कलीम दिलावर, अतीक कमाल, अयाज हलचल, असलम अंसारी के सिवा सकाराम घोड़के जिनका विषय था उन्होंने बोले और शेख रशीद साहब ने बोले,
कमिश्नर साहब ने बोले, और उसके अलावा एक भी नगर सेवक या नगर सेविका ने एक अपना मुंह तक नहीं खोले। और आज जब सर्वे हो रहा है, हमने सिर्फ ठहराव किया है सर्वे का, नवे घर को सर्वे करना, जिनको घर पट्टी नहीं आती उसको घर पट्टी लगाना, और जिसको अगर उसने एक माला पहले था दूसरा माला बनाया है तो उसको दूसरे माले का भी सर्वे करके लगाना। हमने सिर्फ सर्वे का ठहराव किए, हमने एक नया पैसा, अगर किसी माई के लाल में ये दम है ये ताकत है तो उसने ये ठहराव लाके कोई भी केसेस लाके या कुछ भी लाके बताना हमको लेखी में कि हमने एक पैसा बढ़ाने का ठहराव किया है। अभी कमिश्नर साहब ने, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इसके पहले भी मैं जिस दिन कमिश्नर साहब ने केयर पट्टी बढ़ाने का विषय लाए, मैंने फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके अब यूट्यूब पे ये बयान दिया कि कमिश्नर ने अभी दसवां महीना 2022 को केयर पट्टी में 3% बढ़ाया है। और फिर मेरे बयान के बाद शाहनामा और तर्जुमान और बहुत सारे अखबारों में आया और ये बोलते हैं हमने बढ़ाए, हमारी तो मेमोरी खत्म हो गई थी और आपका तो मुंह तक नहीं खुला जब ये विषय आया था। और अगर खुला होगा मुंह वाली भी बोले होंगे तो बता देना, इंशाल्लाह मैं कभी सियासत की बात भी नहीं करूंगा, इलेक्शन तो दूर की बात है, सियासत की बात नहीं करूंगा। अगर तुम्हारा मुंह भी खुला हुआ एजाज बेग साहब, सिर्फ चौक चौराहे पे घूम के लोगों को हेड़ा मत बनाओ, तुम क्या कर सकते। इंशाल्लाह मालिक और शहर की आवाम देखेंगी कि अगर कमिश्नर कुछ गलत कर रहा है, किसी को केरपट्टी गलत आई, तो हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलके, आसिफ साहब के साथ मिलके, सिक्रसी साहब के साथ मिलके, तारा मैडम साहब के साथ मिलके, पूरे राष्ट्रवादी के वर्कर लोग ये केरपट्टी की होली जलाएंगे। और कमिश्नर को तुम क्या करवा दो, इंशाल्लाह आप देखेंगे। अभी पीछे परसों के दिन आसिफ शेख रशीद साहब ने एक मोरंडम दे के आया कि हमको ये केरपट्टी मंजूर नहीं है, एक तो नवा सर्वे भी हो रहा और केरपट्टी का रेट भी अभी बढ़ा दिए, तुमको सब यही साल सूझ रहा क्या। इंशाल्लाह 10 दिन में कमिश्नर ने बोला है कि राउंड टेबल मीटिंग लेके या तो केरपट्टी को रद्द करेंगे या रेट को रद्द करेंगे, और इंशाल्लाह हम ये करवा के बताएंगे। हमको सिर्फ नाम रखते, अरे भाई जहां तक ये बात है, आप बोलते हो कि पानी पट्टी का रेट बढ़ गया, ठीक है पानी पट्टी का रेट बढ़ गया, आप 25 साल से नगर सेवक है, जब रेट बढ़ रहा था तो आप कहां थे, हाउस में आपने क्यों नहीं विषय लाया या हाउस में आपने क्यों नहीं चिल्लाया। हमको बोलते कि शेख रशीद साहब ने विषय नहीं लाए कि पानी पट्टी कम करो, नहीं तो पानी पट्टी कम हो जाती है। ठीक है शेख रशीद साहब नहीं लाए, तू लेके आ जाता, तू भी तो मेंबर था, तूने क्यों नहीं लाए, एक कागज का टुकड़ा नहीं दिया, मालूम ही नहीं है 25 साल में कि कागज कैसे देते, और नहीं तो मालूम होता ना, यही बोलेंगे कि महापुर था हमारे विषय रखा नहीं, तुमको भी अधिकार है कलम 44 से विषय रखने का, खुद को अधिकार है, कोई महापुर की जरूरत नहीं है, खुद को अधिकार है, हमने रखे। मेरा नजमुद्दीन खजूर वाले साहब के टाइम में मेरा विषय नहीं रखा जा रहा था, मैंने कलम 44 से विषय रखा मुरुम के तालुक से, उस पर कमिश्नर को निर्णय लेना पड़ा, मुरुम का ठेका रद्द करना पड़ा क्योंकि वो ठेके में बेईमानी हो रही थी। तो अगर कुछ गलत था, कुछ करना था तो हमको अधिकार है, कानून ने हमको भी अधिकार दिया, महापुर विषय रखेंगे कोई हमारा विषय आएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये बनाना बंद करो मालेगांव की आवाम को, मालेगांव की आवाम बहुत बहुत समझदार है, वो तुम्हारे एरा बंदे से बनने वाली नहीं है। मैं तो ये बोलूंगा इनके वार्ड की आवाम को कि किस बेवकूफ को तुम वोट दे दिए, किस बेवकूफ को वोट दिए उससे पूछो कि 25 साल में क्या ऐसा कारनामा अंजाम दिए मालेगांव शहर में, एक तो मिसाल बताओ, सारी सिर्फ वही रोड गटर बता रहे वार्ड की, और आप प्रेसिडेंट थे, आप 3 बार स्टैंडिंग चेयरमैन थे, क्या किए मालेगांव के हित के लिए, क्या किए, और नहीं तो हमसे पूछो हमने क्या किए वो बताएंगे हम। मैं आज फिर वापस रह कर रहा हूं कि हमने क्या किए, तुम बता दो जरा सा कि तुमने क्या किए, खाली आज बेवकूफ बना रहे लोगों को। और मेरे पास ये प्रोसीडिंग है, प्रोसीडिंग में लिखा हुआ है, मेरे पास केसिट है, वो केसिट बता रही है कि इन्होंने एक लफ्ज इनका मुंह नहीं खुला,
ये कैमरे के सामने आए नहीं जबकि मीटिंग में बैठे थे, तो जब जहां बोल रहे थे वहां नहीं बोल रहे। आप चिल्ला 5 साल के बाद गांव में ढिंडोरा पीट रहे कि केरपट्टी बढ़ गई, केरपट्टी शेख रशीद साहब ने बढ़ा दिया। बोले शेख रशीद साहब ने आजाद लेके आ गए। अरे आजाद को तो एजाज बेग को भी लाए थे शेख रशीद साहब ने, तो ये कौन सा आजाद आ गया था? अगर शेख रशीद साहब को बोलते हो कि आजाद लेके आए हैं, तो भाई साहब आपको भी लाने वाले शेख रशीद साहब है, आपको प्रेसिडेंट बनाने वाले शेख रशीद साहब है, आपको स्टैंडिंग पे लेने वाले शेख रशीद साहब है। तो शेख रशीद साहब ने ये मान लो कि आपको भी आजाद बोल के लाया है, यानी आप भी आजाद हो फिर मालेगांव के लिए। अगर शेख रशीद ने आजाद लाया है केरपट्टी का, तो आप भी आजाद हो। बंद करो ये अपना सब किया कराया दूसरों के ऊपर डालना, खुद किया किए वो बताओ ना। महासभा में बैठते थे बड़ा बहुत शान से बोलते, ऑनलाइन महासभा में बोलने नहीं दिए। अबे ऑफलाइन में क्या बोला बताना जरा सा, मालेगांव की आवाम को बताना। ये केरपट्टी के ताल्लुक से ऑफलाइन मीटिंग थी 2019 में, ऑफलाइन मीटिंग थी 2020 में कोरोना लगा, 2019 में ऑफलाइन मीटिंग थी। जरा बता कि तू सामने रह के ऑफलाइन मीटिंग में कितना बोला, ऑनलाइन में नहीं बोलने दिए ना, ऑफलाइन में कितना बोला सामने बताना जरा सा। राजपाट बंद करो। और मुफ्ती साहब के ताल्लुक से मैं किसका जवाब दूं, मेरे को खुद नहीं समझ में आता। और जवाब भी किसका देना है, झूठों का? अरे सच्चों का जवाब देना है तो बहुत सोचना पड़ेगा कि मैंने क्या बोला था, उसने क्या बोला था, तो झूठों का जवाब देना पड़ रहा है। मुफ्ती साहब बोलते वो वाल कंपाउंड मैंने लाया, स्टेडियम में जो भी काम हुआ मैंने किया, कुश्ती का स्टेडियम भी आपने बनाया, सबके शेर का बहुत नाम लेते सब्बीर अहमद हाजी गुलाम रसूल, और बोलते स्टेडियम मैंने बनाया, तो सब्बीर शेर ने खाली जमीन दिए थे, आपने कुश्ती का स्टेडियम बनाया। वाल कंपाउंड की बात करते, जो क्रिकेट स्टेडियम है, जो गोल डायरा दिखता है जिसमें जाली लगी है जिसमें बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, वो आसिफ शेख रशीद ने बनाया, एमएलए आसिफ शेख रशीद ने बनाया। कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता कि कोई दूसरे की एक कंकड़ी है उसमें, ये आसिफ शेख रशीद की देन है मालेगांव में, जिसने उर्दू घर बनाया। मुझे मालूम पड़ा इलाज भाई मुफ्ती साहब किसी को बोल रहे थे कि यार मैं जब उर्दू घर गया और देखा तो उर्दू घर ऐसा बना, तो मैं मेरे दिल में सोच रहा था, मुफ्ती साहब अब भी किसी को बोल रहे थे कि मैं मेरे दिल में सोच रहा था कि कितने बेवकूफ मुसलमान मालेगांव के लोग हैं जो इतना अच्छा उर्दू घर बनाने वाले को हरा दिए। मुफ्ती साहब बोल रहे थे, बोलो अभी उनको भी ये बात बोलना चाहिए क्या? ठीक है, आसिफ शेख रशीद ने उर्दू घर बनाया, आप तारीफ कर लो, मालेगांव वाले क्यों बेवकूफ बोल रहे हो भाई साहब? मालेगांव वाले बहुत अक्लमंद है, अगर तुमको लगता है वो बेवकूफ है तो बताएंगे, अक्कल बताएंगे इंशाल्लाह, वो भी अक्कल बताएंगे मालेगांव वाले। मैं जो भी बोला एक एक बात ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास, अगर किसी को जानना है इस ताल्लुक से तो आप इनसे रेडियो ले जाए, लेके ले जाए। खाली हवा में बात नहीं है कि पानी बेच डाले, पानी बेच डाले, अबे बेच डाले एक लेखी तो बताओ कि हमने पानी बेच डाले। खाली हवा में बात मत करो, 100 बका एक लिखा लेखी बताओ, और नहीं तो हमारे पास लेखी है, तुमने केरपट्टी के ताल्लुक से क्या बोले क्या नहीं बोले बताना, मेरे पास प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताना, अगर एक लफ्ज भी बोले होंगे तो। मुंह चलाना बंद करो, गलत सलत बोलना बंद करो, खाली सो के उठते तो एक ही खानदान सबको दिखता, मालेगांव की पूरी सियासतदान को एक ही खानदान दिखती, शेख रशीद शेख आसिफ, शेख रशीद शेख आसिफ, बस इसमें। अरे भैया 3 ट्रैक्टर चालू है मालेगांव महानगर पालिका में, 21 वार्ड में 21 ट्रैक्टर चलते थे मच्छर की दवा मारने के लिए, कम से कम 6 महीने से 1 साल से 3 ट्रैक्टर चालू है, कोई नहीं बोल रहा उस पर बेचारा, कोई नहीं बोल रहा उस पर, मालेगांव का कोई सियासी लीडर नहीं बोल रहा उस पर। अब वो मच्छर से कोई मर नहीं सकता, वो मच्छर से कोई मर नहीं सकता, जब मर सकते हैं उससे तो तुमने कितनी बार बोला उसको?
आप सियासी लोग खाली शेख रशीद और शेख आसिफ का ढिंढोरा पीटना छोड़ो, काम देखो, काम पब्लिक को बहुत तकलीफ है। कमिश्नर कुछ काम नहीं कर रहा, प्रशासक कुछ काम नहीं कर रहा, मालेगांव में एक रोड का काम नहीं हो रहा। कल मैंने सुना बोले मुफ्ती साहब ऐसा बोल रहे थे कि अपना काम तो रोड के बाद रोड, रोड के बाद वो तो तुम्हारा जितना फंड था ना, अगर 5 करोड़ एक साल का होगा 25 करोड़ जो फंड है ना, तो अगर ऐसा बनाए तो 10 साल तक रोड पे रोड चलती रहेगी। आज एक रोड बनाओ, फिर एक साल के बाद एक रोड बनाओ। शेख आसिफ कुछ नहीं रहते हुए, ना तो नगर सेवक ना तो आमदार, कुछ नहीं रहते हुए 15 करोड़ रुपए लाए और 100% लाया। 100% समझता मुफ्ती साहब, तुम जो मालेगांव महानगर पालिका में ठहराव करके ला रहे हो ना नगर विकास से और ये विकास से वो विकास से, तो 30% उसमें मालेगांव महानगर पालिका का लग रहा है, 70% आप ला रहे हो, बहुत कमाल की बात नहीं है। आसिफ शेख रशीद ने 15 करोड़ लाया और 100% लाया, जिसमें एक रुपया भी मालेगांव महानगर पालिका का नहीं है, टोटल के टोटल गवर्नमेंट का है। तो काम करना है तो करके बताओ, अच्छी बात है, मालेगांव शहर में काम होना चाहिए। इतना ही बोल के अपनी बात खत्म करता हूँ, अगर तुमको कुछ पूछना है तो पूछ लो।